कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना। उस रब का शुक्राना कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। नमस्ते, आज हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हैं मुकेश भाई मोढ़ा और ये है रेखा बेन। तो आज हमारे यहाँ पे शाम का भोजन है, वो भी रोल आयर। तो आज मैं ये कैसे मैंने बनाया है वो मैं बताऊंगी। तो ये कल तिल का कचरिया है, तो इसमें मैंने ये तिल जो है उसको मिक्सचर में पहले तो मैं क्रश कर लेते हैं, फिर इसमें गुड़ को मिक्स करना है, फिर इसमें से कोपरे का छीण मैंने मिक्स किया है। तो ये कचरिया है और ये है खजूर के लड्डू। तो सॉफ्ट वाला खजूर लिया है। जब हम पहले खजूर के लड्डू बनाते हैं तो खजूर को हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं, गरम करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ खजूर सॉफ्ट वाला मैंने लिया है और इसमें मैं तिल का चूरा बना के इसमें डाला है और ये मूंगफली का भी चूरा बना के डाला है और कुपरे का छीन यूज़ किया है। और आप चाहे तो ड्राई फ्रूट को 2-3 घंटे तक भिगो के उसको ऐसे इसका पाउडर बना के भी इसमें डाल सकते हैं। और ये जो है मैंने खजूर की चटनी बनाई है, खजूर और टमाटर की चटनी बनाई है। इसमें सबको मिक्स करके इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और सेंधा नमक, और मैंने यहाँ पे इमली की जगह मैंने नींबू का रस डाला है। और ये है दूधी के मुठिये ढोकले। तो उसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल यूज़ किया है। तो लौकी ली है, उसमें सरगवा का पान यानी कि मोरिंगा का पान भी बोलते हैं, उसको हिंदी में सहजन का पान बोलते हैं, और धनिया वो भी यूज़ किया है। और मैंने पोहा है, जो पोहा हम लेते हैं उसको क्रश करके फिर इसमें सारा मसाला ऐड करके उसके लौकी के मुठिये ढोकले बनाए हैं। हमारा भोजन है और ये ग्रीन चटनी है, इसमें मैंने पालक, धनिया और ग्रीन मिर्च और कड़ी पत्ता, नींबू, आलू ये सभी और सेंधा नमक, ये ग्रीन चटनी बनाई है। और हाँ, विशेष रूप से मुकेश भाई जो हमारे यहाँ एक वीक पहले आए थे मिलने के लिए, और पूरी सिस्टम को अच्छी तरह से इन्होंने समझा है और काफ़ी प्रशंसनीय तरीके से उनका फॉलोअप भी लिया है। तो उनसे थोड़ा सा उनके मुख से अपने एक वीक में उन्होंने क्या क्या डाइट में फॉलो चेंज किया है और वेट लॉस भी हुआ है थोड़ा बहुत, तो इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले मुकेश भाई से बात करते हैं फिर रेखा बहन से। तो मुकेश भाई, आप एक वीक पहले आए थे, तो एक वीक में आपने पूरा ही पकाया हुआ भोजन छोड़ दिया। हाँ। तो किस तरह से आपकी दिनचर्या होती है एक सप्ताह में के दौरान, वो थोड़ा दर्शकों को बताइए। मैं लास्ट मंगलवार को ट्यूजडे को आया था जी, जब आपने मेरे को NDS के बारे में सब कुछ बताया तो मैंने ये फॉलो करना चालू कर दिया। तो नेक्स्ट डे से सुबह में 6 कलाक का मैं फास्ट ब्रेकफास्ट चला, हाँ। दिन और 11 बजे के बाद मैं ग्रीन जूस लेता हूँ। ग्रीन जूस के बाद 3 बजे गुड़ का पानी बराबर, और शाम को सलाद। उसी से मेरे को क्या हुआ, और एनिमा का तो यूज करता ही हूँ दिन में 2 बार सुबह और शाम, उससे मेरे एक वीक में मेरा 1.25 किलो
वजन कम हुआ तो मेरे को पूरी में पूरा स्फूर्ति रहता है। और आपको इस दौरान जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अभी बंद कर दी? टोटली बंद। आप चाय पीना पसंद करते हैं अभी? नहीं। मन हुआ कभी चाय पीने का? गुड़ का पानी और नींबू, नींबू इसके बदले पी लेते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी समझ के साथ, सोच के साथ फॉलोअप लिया है। और अब रेखा बहन से थोड़ी बात करेंगे, जो हमारे यहाँ पोरबंदर के बालूबा स्कूल में टीचर हैं। तो उसने भी 7 दिन में किस तरह से किया वो थोड़े अपनी संक्षिप्त में बताएंगी। मैंने भी सुबह से लेकिन 12 बजे तक कुछ नहीं लिया, निर्जला वो बोलते निर्जला। जी बरोबर। उसके बाद मैंने एक ग्लास जूस पिया, वो पालक, धनिया, काकड़ी, वो सब जो ग्रीन ग्रीन पत्ते है या उसका फ्रेश बना कर, फ्रेश बना कर पिया जी। 3 बजे गोल नींबू का पानी पिया और शाम को एक एप्पल वो जी लिया जूस फ्रूट, और शाम को ये कच्चा सलाद सलाद वगैरह। मैंने 1 वीक में 3 किलो वेट लॉस किया। आपका पहले वजन कितना था? 84 था। अभी हाल आज के दिन आपका वजन है 81। मतलब 8 दिवस में 3 7 डेज या 8 डेज हुए हैं, तो 3 kg वेट लॉस किया है। और मुकेश भाई ने बस 1 या 1.5 kg के आसपास वेट लॉस किया है। तो वेट लॉस होना तो आम बात है, ज्यादा वजन है तो वेट नीचे गिरेगा, लेकिन एनर्जी लेवल से और क्लीनिंग लेवल से आपके अनुभव किस प्रकार से रहे कि शरीर में से कूड़ा कचरा निकलता है और एनीमा में आपको किसी भी प्रकार का डर या भय या कुछ शंका कुछ के आराम से आप ले पाई? तो सभी दूध की प्रोडक्ट कुछ नहीं, चाय मुझे याद भी नहीं चाय का स्वाद कैसा है। बराबर। कितने सालों से हम चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या कुछ भी मिल्क से बनाए हुआ बोनवीटा भी क्यों ना पीते हो, तो ये सब हमारे एनडीएस में अलाउड नहीं है। कोई कोई पीते हैं शाम को थोड़ा सा 19-20 करके अपने हिसाब से सब भोजन में बदलाव कर लेते हैं, लेकिन ना करे तो बेहतर रहता है। तो जब ऐसे एनडीएस के साधक बन जाते हैं, एनडीएस से इस तरह से जुड़ जाते हैं कि बिल्कुल ही कच्चा ले और इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनके लाजवाब परिणाम उनके जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। आपने एनर्जी लेवल पर भी कुछ महसूस किया होगा कि थोड़ा सा हल्कापन आया होगा? मैं टीचर हूँ तो बोलना पड़ता है पूरा दिन चलना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है। बराबर। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझमें एनर्जी नहीं है, नहीं कभी नहीं लगा। बराबर है। बहुत बेहतरीन अपना रिव्यू दिया, अपने रिजल्ट बताए 1 वीक के सिर्फ। और सभी पढ़े लिखे लोग हैं वो आज साइंस को फॉलो कर रहे हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन ये भगवान का साइंस है, एनडीएस है, वो भगवान का विज्ञान है और उनके प्रिंसिपल बिल्कुल वो विज्ञान से अलग हैं। तो वो भी 1 सप्ताह में ही फील किए हैं आज। और अच्छा अपना एक सुंदर प्रतिभाव दिया, इसलिए मैं विशेष रूप से मुकेश भाई मोढ़ा और रेखाबेन मोढ़ा उनका शुक्रिया करना चाहूँगा। जैसी करनी ये जो आपने बनाया है जी, रो मटेरियल से जी, बहुत ही टेस्टी है, खाने में भी टेस्टी है जी। शुक्रिया, थैंक यू कहती हूँ। अच्छा बनाया, टेस्टी है और 1 वीक से मैंने चूल्हा जलाया ही नहीं। बहुत अच्छा, क्या बात कर दी ने, बंद से बंद कर दिया। और हमारी गुजराती में कहावत है कि जहाँ गैस ना बाटला त्या रोग ना खाटला, तो वो बात जहन में बैठ गई, दिमाग में बैठ गई। और यहाँ जाते ही मंगलवार के दिन आए थे, बुधवार के दिन से अपने घर में चूल्हा भी नहीं जलाया है, तो काफ़ी एक अच्छी अचीवमेंट कहेंगे। दुनिया के तरीकों से अलग जीना वो भी एक लाइफ की चैलेंज है और वो चैलेंज एक्सेप्ट करके दिखाई है। तो शुक्रिया, लॉट्स ऑफ थैंक्स, ओके, थैंक यू, बाय बाय।